हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की व्लॉग में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ। मोनोटोनस रूटीन से हट के आज मैंने दो एक्टिविटीज़ ऐड की हैं अपनी व्लॉग के अंदर। सबसे पहला तो मैं होम वर्कआउट से थोड़ा सा गैप लेके टेनिस के गेम के लिए जा रहा हूँ। साथ ही साथ जिस रिजॉर्ट में मैं टेनिस खेलने जा रहा हूँ, उस रिजॉर्ट ने अपनी एक बहुत प्यारी सी मंडी लगाई हुई है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा उन्होंने खूबसूरती के साथ, जिसे आप कहते हैं ना, जानवरों की ब्यूटी इन्हेंस कर दी उनको एक अच्छी जगह शोकेस करके। तो वहाँ पे दो तीन जानवर मेरे अपने पसंद के भी हैं, मैंने वो भी आपको दिखाने हैं। मैं भी चाह रहा था कि नॉर्मल दिन से हट के आज का दिन हो मेरा, तो उसी के लिए डू स्टे ट्यून्ड टू टुडेज़ वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मेरे छोटे भाई का एग्जाम है, तो मैं अपने छोटे भाई को एग्जाम के लिए लेके आया हूँ। ये है कि अभी वो एग्जाम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। और वेटिंग जोन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं अपने साथ ये बुक लाया हूँ। ये बुक मैंने तीन दफ़ा शुरू किया, लेकिन तीनों बार मैं इसको ख़त्म किए बगैर मैंने इसको छोड़ा है। तो इस बार मेरी उम्मीद ये है कि मैं इसको पूरी शुरू करके ख़त्म करूं, क्योंकि ये बुक एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप किस तरह अपनी लाइफ को अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग आप गुजारें। क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा हम गलत गलत फैसले या गलत गलत अप्रोचेस लाइफ के अंदर ले लेते हैं, जिससे होता कुछ नहीं है, या तो डेवस्टेशन हाथ में आती है या फिर हमारी लाइफ एक बहुत गलत ट्रैक पर चल जाती है। इस बुक का बेसिक थीम ये है कि हाउ टू नॉट केयर अबाउट स्मॉल थिंग्स दैट डजंट मैटर। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी वैल्यूएबल नहीं होती। इसको पढ़ने के साथ साथ फिर मैंने आगे अभी कुछ खाने के लिए देना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट किए हुए टाइम हो गई। आज वैसे भी हैप्पी फ्राइडे है। For the record, so guys, season वैसे भी आ चुका है अच्छी अच्छी चीज़ों का, और हम बकरीद से हार्डली एक हफ्ता दूर हैं। आज से इम्पोर्टेंट काम भी शुरू हो गए हैं। अभी हम लोगों ने डीप फ्रीजर की सफाई भी शुरू कर दी है। अब इंशाल्लाह इस हफ्ते गाय आएगी और एक हफ्ता वो दाम में खड़ी होगी, और उससे नेक्स्ट वीक मुंबई डीप फ्रीजर में होगी। डीप फ्रीजर की सफाई सारा आप समझ लें, इसमें से 50% तो मेरा ही है। तो गाइज, इसमें से 50% तो आप समझ लीजिए मेरा है। आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा वर्कआउट से पहले कैमरा सीधा कर लो प्लीज़, केड़ा पकड़ी भी। शाम की चाय, सुबह के नाश्ते, सारे मेरे वो आइटम्स हैं जिन पे मेरी लाइफ बेस कर रही होती है। तो टेनिस का सामान रेडी हो गया, अब इसको एक हाथ से उठाने की कोशिश करूँगा। ये सारा का सारा रोज़ाना की टेनिस की एक रूटीन का हिस्सा है गाइज, चैलेंज। ओके, तो वैसे आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी की राइड भी साथ ही लेनी है रिजॉर्ट तक के रास्ते में, भी आप लोगों ने मेरा साथ देना है। तो गाइस, टेनिस के लिए मैं निकल रहा हूँ, और साथ ही आज आप मेरा को पैसेंजर देख सकते हैं। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा पैसेंजर है, एंड आई हैव हिज टेकन मी, आप समझ लें मेरा टेडी है एक तरीके से। सो गाइज, वैसे भी व्लॉग के दौरान मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग करते हुए कार चला रहा हूँ। आई होप दैट आई स्टे कॉन्शियस व्हाइल ड्राइविंग। अब मैं आपको थोड़ा सा मंडी का व्यू दूंगा।
गुस्सा कर रहा है, क्या करो? नहीं, नहीं यार।